मिल गया मुझे एंड बस सर प्लीज मालूम है बहुत अच्छा करेगा अच्छा करना पड़ेगा फैमिली की इज्जत का सवाल है लव यू सर फोटो वेट अंदर चेक प्ले तो सर ये परफॉर्मेंस जो होता है ना सर ये बहुत रियल होता है सर इसमें कोई रिटेक नहीं होता और यू कैन नॉट अफोर्ड टू डू अ मिस्टेक आल्सो एंड अनूप इज़ अ वेटरन सीजन बैट्समैन है बैट्समैन बोल रहा सॉरी ही इज़ अ सीजन परफॉर्मर है सो डेफिनेटली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हिज परफॉर्मेंस एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट सर इसमें मज़ा बहुत है वेरी फ्रेंकली फिल्म का क्या है इंस्टेंट आपको उसमें अप्रिसिएशन या आप क्या कर रहे हो सही कर रहे हो गलत कर रहे हो वो नहीं मिलता क्योंकि वो रिलीज़ के बाद उसका सारा फीडबैक आता है जबकि ये फॉर्मेट जो है सर ये जैसे सनी देओल का था ना ना सुनवाई ना तारीख सीधा फैसला हो जाता है हाँ तो इमिजिएटली आपको वो है और जब फीडबैक बहुत अच्छा आता है मेरे ख्याल से उससे बड़ा आपको आनंद किसी एक्टर को इससे बड़ा आनंद कभी नहीं मिला मतलब सडनली स्टैंडिंग ओवेशन आपको मिल रहा है सो आई थिंक हर एक्टर जो है ना वो एक वाह वाह का और अप्रिसिएशन का भूखा होता है हमें हमारा कोई म्यूचुअल फंड या वैसा इन्वेस्टमेंट नहीं होता हमारा वाह वाह मिला एक्टर फिर और अच्छा एवरेज देता है खुश तो ये मंच वो है सो एंड रियल चैलेंज भी होता है इसके लिए ना आपका दिमाग भी चलता है स्पॉन्टेनिटी चलता है सामने वाला क्यों भूल गया तो आप किस तरीके से उसको क्यों देते हो तो ये सारी चीज़ें हैं तो मज़ा आता है हाँ मैं वो उसमें थोड़ा सा एक अलग कैरेक्टर मैं उसमें मर्द हूँ हाँ आई एम अ प्लेइंग अ मेल गाय आजकल ऐसा बोलना पड़ता है तो नहीं आई एम नॉट अ गोस्ट बट वेरी इंटरेस्टिंग गाय उसको देखने आपके चेहरे पे हंसी रहेगी थैंक यू बहुत खास मित्र हैं और बहुत टाइम के बाद थिएटर कर रहे हैं तो वेरी एक्साइटेड या आई एम सुपर एक्साइटेड आई लव थिएटर आई थिंक इट्स द ट्रूएस्ट टेस्ट ऑफ एन एक्टर एंड अनूप डजंट नीड एनी टेस्ट दो ही इज ऑलरेडी कम आउट ऑफ फ्लाइंग कलर्स सो आई एम रियली एक्साइटेड इट्स गोइंग टू बी अ वेरी सुपीरियर स्केरी सस्पेंसफुल प्रोडक्शन आई एम श्योर आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट मतलब क्या छोटे बच्चे हैं बहुत डरेंगे हम बहुत डरेंगे हम एक दूसरे के साथ इसलिए आए हैं एक दूसरे का हाथ पकड़ पकड़ के डरेंगे हम मुझे लगता है कोई भी जॉनर हो उसमें आप अगर अपनी ऑडियंस को बांध सकते हैं और थ्रिलर तो एक ऐसा जॉनर है जहाँ पर आप बिल्कुल मतलब सीट से हिलेंगे भी नहीं सो आई डू होप कि यहाँ पर नहीं होगा
yes, theater is a very difficult medium because we're judging the actor every single second and the production. But hum itna superior quality actors and production mein aaye ke I'm sure it's going to be fantastic. Thank you. शुक्रिया आपका. जी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये तो मेरा काम है थिएटर और रंगमंच करना और अनूप जी कर रहे हैं इतने सालों बाद तो मैं बहुत खुश हूँ. पहली बात तो कि वो थिएटर कर रहे हैं और बहुत सालों से करना चाह रहे थे पर इतने ज़्यादा मसरूफ़ थे वो अपने कमिटमेंट्स में. पर अब ये प्ले किया है और बहुत शानदार इसकी ओपनिंग हुई है सबकी दुआओं से तो चलिए देखते हैं कैसे जाएगा. ऑन द स्पॉट तो नहीं भूलेंगे. इतने मंझे हुए और इतने तजुर्बेकार एक्टर हैं वो बिल्कुल नहीं भूलेंगे. पर टिप्स नहीं पर हाँ ऑफकोर्स वो भी मेरी बहुत इज्जत करते हैं मेरी और मेरे काम की और हम लोग आपस में नोट्स एक्सचेंज करते हैं जब भी मैं उनकी कोई रिहर्सल देखती हूँ या वो मेरी रिहर्सल देखते हैं. और ऑफकोर्स हम दोनों ही चाहते हैं कि हम अच्छा करें तो बहुत ओपन रहते हैं हम क्रिटिसिज्म के लिए एक दूसरे के. सबसे कमाल की चीज़ जो थिएटर की होती है कि आपको आपकी ऑडियंस का रिएक्शन तभी के तभी मिल जाता है और वही वही टेस्ट होता है एक एक्टर का कि ऑडियंस को कितना अच्छा लग रहा है कैसे जा रहा है आपका शो. आपको वेट नहीं करना पड़ता यू नो कि वो आप 12 बजे के शो का वेट करते हैं कि हाउस कैसा गया या वो नहीं है. ऑडियंस रिएक्शन आपको तब के तभी मिल जाता है. थैंक यू. Impression is there.